हेलो गाइस, ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और अपना जो प्रॉफिट लॉस रहता है हमने बुक कर लिया। और फटाफट से जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, रेडी हो जाओ, हमने लॉस बुक किया। बहुत ही सोच समझ के ट्रेड बनाया था गाइस, लेकिन क्या करें, देखो मार्केट में सोच समझ के काम करते हैं प्लान के अकॉर्डिंग। अब मार्केट को जो करना रहता है कर देता है, हमें जो करना रहता है हम करते हैं। तो ठीक है, आप लोग ट्रेड देखो, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग ने क्या बुक किया, प्रॉफिट और लॉस। तो गाइस, तो मार्केट में देखिए हमें 350-400 पॉइंट का गैप अप देखने मिल रहा है। यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करने वाले, देखिए जहाँ पे ओपन दे रहा है ना, वहाँ पे 50,500 का लेवल है। यहाँ पे हमने बायर्स को टारगेट करते हुए प्लान तो किया था, लेकिन देखिए ओपनिंग ठीक नहीं मिल रहा, ओपनिंग ज़्यादा बढ़ा है। मतलब यहाँ पे देखिए जो बायर्स है ना, वो प्रॉफिट में आ चुका है, इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो बायर्स है उसको निकालने के बाद यहाँ पे अगर एसएल क्रिएट करता है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान करेंगे, या फिर मार्केट में देखते हैं कैसा कैंडल बनाता है, डायरेक्टली ब्रेकआउट करके भागता है, तो वहाँ पे जिस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पे आराम से स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो गाइस मार्केट ओपन होते ही 50,500 का ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा बहुत सस्टेन करने के बाद एक और छोटा सा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिजेक्शन लेके गिर रहा है। अब देखिए ये सेलिंग का ट्रेड के लिए तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ, लेकिन क्या है ना दिक्कत, देखिए यहाँ से डिस्टेंस कम है, मार्केट आया ब्रेकडाउन देखे, मार्केट कितना नीचे आएगा वो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए बायर्स प्रॉफिट में बैठे हैं ना, तो इनको टारगेट नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन दिया जो बायर्स है उसको निकाला, उसके बाद मार्केट कहीं से भी घूमना शुरू कर देगा, तो ये अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला एक ट्रेड नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पर अभी वेट कर रहा हूँ। बाकी मैं देखता हूँ मार्केट इन बायर्स को निकालने के बाद अगर घूमता है तो फिर बाइंग करेंगे, या फिर देखिए बनाने का ट्रेड बना ले, लेकिन यही है कि प्रोबेबिलिटी कम है यहाँ पर। ठीक है, बाकी वेट करते हैं, क्योंकि प्लान के साथ ही हमेशा काम करना चाहिए अपने को। देखिए कैंडल तो ठीक बना रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाने वाले हैं और मार्केट ने कैंडल थोड़ा सा ये लो का ब्रेकडाउन करेगा या नहीं करेगा, चांस कम लग रहा है कि ब्रेकडाउन करेगा लो का। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमने पोजीशन बना लिया है और बाई किया है 50,500 का CE। एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड बनाया। अब बात करते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया कॉल साइड का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको साइड में करते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे करेगा ना तो ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखने मिला, बहुत अच्छा गैप अप। ठीक है, मार्केट में हमने क्या प्लान किया था, यहाँ पे बायर्स बैठा हुआ, ज़्यादा बड़ा कोई गैप अप ओपन नहीं देगा तो इन बायर्स को टारगेट करते हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग अपने मुताबिक दिया नहीं, गैप अप ज़्यादा दे दिया 350 पॉइंट का। अब वैसे में क्या हुआ, जो यहाँ पे बायर्स थे ना वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। अब मार्केट को इन बायर्स को टारगेट करना होता ना, तो मुझे लगता है मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन नहीं देता, छोटा मोटा गैप अप ओपन देता, हल्का फुल्का ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा गिरावट देखने मिल जाता। लेकिन मार्केट को इन बायर्स को टारगेट करना ही नहीं था। ठीक है, मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन दिया, हल्का फुल्का ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे जो बाइंग करने चाहते थे वो थोड़ा बहुत बाइंग किया, मार्केट यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखिए शार्प गिरावट कर दिया। वैसे में ये जो गिरावट आ रहा है ना, ये सिर्फ मुझे जो समझ में आ रहा है, जो प्राइस एक्शन मैंने देखा है और जो बैक टेस्ट करके समझा है, ये कहीं ना कहीं बायर्स को निकालने के लिए मोमेंटम किया जा रहा है। ठीक है, बाकी ये समझ के, और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत सेलर भी काम करने का कोशिश करेगा। मार्केट में क्या है कि ब्रेकडाउन दिया है 50,500 का, सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे वीक वाला कैंडल भी छोड़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा यहाँ से गिरावट देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, छोटा मोटा ब्रेकडाउन कर सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, यहीं कहीं से प्राइस एक्शन बना के मार्केट को घूम जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये सोच के यहाँ पर ट्रेड बनाया हूँ। बाकी निफ्टी में भी हमने देखा, निफ्टी में हमने क्या देखा कि निफ्टी में देखिए मार्केट क्या किया, बहुत अच्छा कैंडल बनाया, ठीक है, शार्प गिरावट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बायर्स इसमें भी अच्छा प्रॉफिट में बैठा हुआ है, कैंडल शार्प बना हुआ है, तो डायरेक्टली इस तरह से गिरेगा नहीं, यहीं पे प्राइस एक्शन बना के गिर जाए वो बात अलग है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, देखिए 25,000 के आसपास से मार्केट गिरने का कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे जितना लग रहा है कि निफ्टी में भी ब्रेकआउट देखने मिलेगा, जिस तरह का मोमेंटम देखने मिल रहा है, और बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम देखने मिल जाएगा अगर निफ्टी भी थोड़ा बहुत अपसेट का मोमेंटम किया तो। ये सोच के हमने यहाँ पे काम किया, और कल वाले चार्ट पे भी थोड़ा बहुत हमने ध्यान दिया। कल वाले चार्ट में हमने क्या देखा था कि मार्केट ओपन दिया, ठीक है, ब्रेकआउट किया नहीं, उसके बाद बड़ा अच्छा गिरावट दिया है। तो देखिए पूरा चार्ट के ऊपर तो डिपेंड करते हुए नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चार्ट मिला रहा हूँ कि मे बी मार्केट कल की तरह इतना आसानी से गिरता हुआ ना चल जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा। बाकी प्रॉफिट लॉस जो इस ट्रेड में रहने वाला है ना वो डिसाइड कर लेते हैं, अपना जो इस ट्रेड में प्रॉफिट लॉस रहने वाला है 70-60 पॉइंट के आसपास का अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, और टारगेट भी हम उसी तरह का लेने का कोशिश करेंगे। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो डेफिनेटली वेट करेंगे, या फिर देख लेंगे जैसा प्राइस एक्शन समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वेट करेंगे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं मार्केट में, कम से कम देखिए ये मेरे को लग रहा है ना 50,800 के आसपास तक मार्केट जा सकता है, और वहाँ तक अपने को आराम से टारगेट मिल जाएगा अगर मार्केट गया तो। ठीक है, यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा ना उतना हमारे लिए अच्छा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलर ही काम करने का कोशिश करेगा, उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने मिलना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का मार्केट करता है, अभी तो ऊपर नीचे कॉस्ट के आसपास ही कर रहा है। ठीक है, वेट करते हैं।
यहाँ पे देखिए अपना लॉस हमें ठीक ठाक देखने मिल रहा है। मार्केट धीरे धीरे गिरने की कोशिश कर, देखिए मार्केट यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, छोटा मोटा ब्रेकआउट कर दे यहीं कहीं से मार्केट को घूम जाना चाहिए। ज़्यादा गिरेगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सेलर को यहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए कि वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। छोटा मोटा ब्रेकडाउन करे उसके बाद ही मार्केट को यहाँ से घूमना है, और मार्केट को अगर यहाँ से घूमा ना तो हमें बड़ा बड़ा कैंडल देखने मिलेगा। बाकी वेट करते हैं, अभी तो कम से कम थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया ना तो मार्केट में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, प्रॉफिट आराम से बन जाएगा। लेकिन उससे पहले अपना अगर SL हिट करा देता है फिर देखिए दिक्कत है, फिर तो कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। मार्केट रिकवरी करने का कोशिश तो कर रहा है, कैंडल ठीक ठाक बनाया हुआ है। अब देखिए मार्केट में दोबारा से अगर इसका ब्रेकडाउन करने आता है ना, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना जो लॉस श्योर शॉर्ट होने वाला है, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, कैंडल ठीक ठाक बनाया, निफ्टी ने भी कैंडल ठीक ठाक बनाया, ठीक है। निफ्टी का भी देखिए प्राइस एक्शन जिस तरह का बना हुआ है, निफ्टी भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, तो वेट करते हैं। मार्केट को अब यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, छोटा मोटा यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, जो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे सैलरी काम करने का है, मार्केट छोटा मोटा करके इस तरह से ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। बाकी अगर ब्रेकडाउन किया यहाँ से फिर तो देखिए यहाँ पे कुछ करने का नहीं है, फिर स्टॉप लॉस देके मार्केट से भागना होगा अपने को, ठीक है। तो गाइस मार्केट देखिए शार्प कैंडल बना दिया है, लॉस भी अपना ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा लॉस का लिमिट बाकी रहता है, वेट करते हैं। तो गाइस मार्केट देखिए थोड़ा बहुत साइडवेज बिहेव करने का कोशिश कर रहा है, मोमेंटम नहीं दे रहा, यहीं कहीं पे ऊपर नीचे करने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए प्रॉफिट लॉस देखे तो ठीक ठाक ही दिख रहा है अपना, लेकिन यही है ना साइडवेज मार्केट में देखिए टाइम डिके का एक तो प्रॉब्लम होता है, ऊपर से कहाँ से बड़ा सा कैंडल बना देना वो कह पाना मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए निफ्टी क्या कर रहा है ना, निफ्टी में थोड़ा धीरे धीरे कैंडल बना के जा रहा है छोटा छोटा, निफ्टी भी थोड़ा मोमेंटम नहीं कर पा रहा, थोड़ा बड़ा कैंडल बनता ना तब अच्छा रहता, लेकिन जिस तरह का कैंडल बना रहा है तो भाई क्या ही बताएं। लॉस का लिमिट तक वेट करते हैं, देखते हैं जो मिलेगा पहले उसको लेके निकलना होगा। देखिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा लग रहा है, बस अपना SL हिट करने के बाद ब्रेकआउट ना करे मैं तो यही चाहता हूँ, नहीं तो मार्केट क्या करता है ना स्टॉप लॉस हिट कर दिया उसके बाद ऊपर जाता है ना, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन होता है। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है अभी, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मार्केट में सडनली एक बड़ा सा कैंडल बना दिया और लॉस काटते काटते थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो गया। बाकी देखिए हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया था, लगा नहीं था मार्केट इतना अच्छा गिरावट कर देगा, क्योंकि देखिए कल भी मार्केट क्या किया था ना 50,500 से गिरा था और आज भी मार्केट देखिए गिरने का कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगा आज के दिन मार्केट में भी गिरेगा नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब कुछ कर नहीं सकते, मार्केट का जो मन रहता है वही करता है, लेकिन हमें तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना रहता है। हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों बनाया था, बहुत ही सिंपल था, हमने जल्दबाजी तो नहीं किया, वेट किया मार्केट में, उसके बाद जब रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे लेने लगा ना तब जाके हमने ट्रेड बनाया। हमें लगा मार्केट 50,500 से क्या ही रिजेक्शन लेके गिरेगा, कल भी गिरा था, ऊपर से डायरेक्टली टॉप से मार्केट रिजेक्शन लिया हुआ है तो और भी नीचे जा नहीं पाएगा, और मार्केट में बायर्स है ये भी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और इस मोमेंटअप के बाद जो बायर्स होगा वो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, बाकी अपना ट्रेड चला नहीं। निफ्टी देखिए अभी भी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, तो देखिए अभी भी मेरा व्यू वही है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, स्टॉप लॉस जब लिमिट ख़त्म हो जाता है ना तो वहाँ पे वेट करना मतलब डर डर के वहाँ पे ट्रेड में बैठना मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। बाकी ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक के साथ हमने काम किया था।